आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। क्रिकेट के फील्ड में डूबते को आईपीएल का सहारा माना जाता है। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग से भी कई ज्यादा आईपीएल यानी इंडियन पैसा लीग माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पैसों की अदला बदली होती है। खिलाड़ी एक दूसरे की टीम्स में जाते हैं, खरीदे जाते हैं, रिलीज करे जाते हैं, तो पैसों का काफी ज्यादा लेन देन होता है आईपीएल में। और आप जानते हैं अभी 23 तारीख को कोची में मिनी ऑक्शन होने जा रहा है। पिछले साल मेगा ऑक्शन हुआ था, इस साल मिनी ऑक्शन होने जा रहा है। 405 खिलाड़ी अंडर द हैमर होंगे, यानी 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। शॉर्टलिस्ट हुए हैं 405 खिलाड़ी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जो पिछले साल अनसोल्ड रह गए थे, बेचारे बेसहारा रह गए थे, इस बार उनको सहारा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, देखने वाली बात यही रहेगी। तो इस वीडियो में बताते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले साल अनसोल्ड रह गए थे, उसमें आपके देसी खिलाड़ी भी आते हैं यानी इंडियन खिलाड़ी भी आते हैं, साथ ही साथ विदेशी खिलाड़ी यानी फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी खिलाड़ियों से कि भैया कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले साल अनसोल्ड रहे थे और उन्होंने कितनी अपनी बेस प्राइस रखी है इस साल। विदेशी खिलाड़ी जो पिछले साल रहे बेसहारा, देखिए सबसे पहले शाकिब अल हसन बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला व्यक्ति शख्सियत है ये शाकिब अल हसन। अनसोल्ड रहे था पिछली बार, 2 करोड़ रुपए इनकी बेस प्राइस है। इनकी पिछली बार भी बेस प्राइस जो है 2 ही करोड़ रुपए थी। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि भैया विदेशी खिलाड़ियों ने अपनी बेस प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, जो पिछले साल थी वही इस साल भी है इनकी बेस प्राइस। तो पिछले साल भी 2 करोड़ थी, अभी भी इनकी 2 करोड़, और आगे आने वाले जितने मैं आपको नाम बता रही हूँ सबकी बेस प्राइस सेम है पिछले साल से। उसके बाद देखिए आदिल रशीद 2 करोड़ बेस प्राइस, डेविड मलान 1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइस, देखिए उसके बाद क्रिस लेन 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस, उसके बाद रिले रोजो 2 करोड़ रुपये इनकी भी बेस प्राइस है, और उसके बाद लिटिन दास इनकी 50 लाख रुपए बेस प्राइस है। देसी खिलाड़ी जो पिछले साल रहे बेसहारा, अब विदेशी आपको बता दिए, देसी भी आपको बताते हैं कि कौन से हमारे इंडियन प्लेयर्स थे जो पिछले साल अनसोल्ड रह गए थे और जिन्होंने इस बार भी अपना नाम दिया है। तो इस बार देखिए ईशांत शर्मा 1.5 करोड़ से ये 50 लाख पर आ गए हैं, इनकी बेस प्राइस जो है 50 लाख हो गई है। और दूसरे हैं अमित मिश्रा, पिछले साल 1.5 करोड़ थे, अब 50 लाख हो गए, तो 1.5 से ये दोनों 50 लाख पर आ गए हैं। तो भैया ये थे हमारे देसी और विदेशी खिलाड़ी, जो आप जानते हैं विदेशी तो हमने आपको बताया कि जिन्होंने जिनकी बेस प्राइस पिछले साल 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसी थी, उन्होंने अपनी बेस प्राइस को चेंज नहीं करा है। लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी बेस प्राइस को थोड़ा सा घटा दिया इस चक्कर में कि भैया कोई तो खरीदार मिल जाएगा, कोई तो हमें खरीदेगा। इसमें अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा दोनों ही शामिल है। अब देखते हैं इन दोनों को कौन खरीदार मिलता है और कौन जो विदेशी खिलाड़ी है उनको खरीदार मिलता है। अब कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो अनसोल्ड प्लेयर्स थे और जिन्होंने इस बार भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको कोई खरीदार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब खरीदेगा रोमांच तभी बढ़ेगा। तो जरूर बताइए कमेंट्स के जरिए। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।